Om Tava Kathamritam Takta Jivanam Kavibhiriritam Kalma Shapam Shravana Mangalam Shri Madhatatam Bhuvi Grantite Bhurida Janaha. मास्टर कह रहे हैं कि अध्यात्म भगौड़ों के लिए नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनके बोझ से दबकर डरकर भाग जाना ये अध्यात्म नहीं है। शुरू में श्री कृष्ण ने हर प्रयास किया कि युद्ध न हो, शांति, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर जब कोई रास्ता बचा ही नहीं और जब उन्होंने निश्चय कर लिया तो फिर पीछे हटने की कभी बात मन में नहीं आई। अर्जुन ने कोशिश करी, इसको छोड़ देते हैं, मैं संन्यास ले लेता हूं, मरना मारना अच्छा नहीं है, हर तरह के उसने आर्गुमेंट्स दिए, पर एक बार निश्चय कर लिया कि धर्म के लिए यही सही है और व्यवस्था के लिए यही सही है, समाज के लिए यही सही है, तो फिर युद्ध करना ही है। निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, फिर भागना नहीं है। हाँ, कैसे करना है? ऐसे निराशिर, जीतने के लिए नहीं, धर्म के लिए, सत्य के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। वही श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि प्रताप का भाई आया था और मैंने उसको वापस भेज दिया। बातचीत आगे चलती है। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे हैं और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे, सोचने लगे कि विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? अभी तक का जो मास्टर का मन था, जो मास्टर की मनस्थिति थी, वो एक साधारण पुरुष की मनस्थिति थी, जो समाज के कई बंधनों से, कई मान्यताओं धारणाओं से बंधा होता है। भाई पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, ये LKG क्लास से लेकर और PhD तक या उससे भी आगे, और या बिजनेस करना है, और या
ये स्पेशलाइजेशंस करनी हैं, फिर नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, फैमिली रखनी है, पालनी है, बच्चे होंगे, फिर उनकी पढ़ाई होगी। एक ढर्रा ही इस तरह का बना हुआ है कि यही सत्य लगता है। थोड़ा सोचो कि मन कैसे बंधा हुआ है इन अदृश्य डोरों से, अदृश्य रस्सियों से, अदृश्य संगलों से। टूटते नहीं टूटती, मन में क्या लिमिटेशंस हो जाती हैं। एक बॉक्स सा है, उसी में बैठकर सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में विवाह होना चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा है। ये मान्यता भी अधिकतर मनों में बहुत दृढ़ होती है। तो मास्टर इसी मान्यता को, ऐसी ही मान्यताओं को लेते हुए जी रहे हैं। तो श्री रामकृष्ण का पहला प्रहार हुआ, इन मान्यताओं पे। ये केवल विवाह पे नहीं है, ये जो इन द बॉक्स थिंकिंग है उसको तोड़ने के लिए है। अध्यात्म इन द बॉक्स रहकर नहीं हो सकता है। स्वरूप का दर्शन, स्वरूप में स्थिति, एक मोल्ड में रहकर नहीं मिलती होती है। वो मोल्ड में तो चिंताएं, खंडित मन, हर तरह के भय, भूत में रहना, भविष्य में रहना, असंख्य इच्छाएं, तृष्णाएं, ये मोल्ड है। मोल्ड कहता है कि तुम्हारी खुशी बाहर से आती है, तुम्हारी पूर्णता बाहर से आती है, इसलिए प्रयास बाहर बाह्य जगत में ही करना है। ये मोल्ड को रखते हुए दृष्टि अंतर जाती ही नहीं है, मन खंडित रहता ही रहता है। और इस खंडित मन को अखंड आत्मा में स्थित करना संभव नहीं है जब तक समझ ठीक नहीं हो जाती। जब तक आपका पुराना पर्सपेक्टिव ठीक गलत का चलता रहेगा, जब तक पुरानी समझ, पुरानी अंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी, ये संभावना ही नहीं बनती है कि मन शांत हो जाए, स्वरूप में स्थित हो जाए, अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो जाए। तो श्री रामकृष्ण पहली चोट कर रहे हैं और इसके बाद मास्टर की लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली है। यहाँ इतिहास लिखा जा रहा है, हिस्ट्री लिखी जा रही है, ये कोई साधारण बात नहीं हो रही है कि एक शिष्य, पोटेंशियल शिष्य, अभी तक तो पूरी तरह शिष्य हुए भी नहीं है, और बहुत ही सिंसियर, बहुत ही विनम्र और बहुत ही शार्प, सूक्ष्म, ये तीन नेसेसरी क्वालिटीज हैं एक अच्छा शिष्य बनने के लिए, सूक्ष्मता, विनम्रता।
भगवान ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और तत्परता उत्साह चाहिए मुझे, ये इसके बिना नहीं चलता है, नींदें खराब हो जाएं, ऐसी तत्परता। तो विनम्रता, तत्परता, सूक्ष्मता, इसका पर्सोनिफिकेशन है मास्टर। यहां हिस्ट्री लिखी जा रही है। इस कन्वर्सेशन के बाद जो आगे आने वाली कन्वर्सेशंस होंगी, मास्टर जब यहाँ आएंगे तो वो रोज डायरी में अपनी नोट करेंगे शाम को, और उनकी जो मेधा शक्ति है, मेमोरी भी है, वो कुछ भूलते नहीं हैं, एक एक चीज को जैसे है वैसे ही उतार देते हैं शाम को। और फिर वचनामृत की रचना होने वाली है, और वचनामृत से श्री रामकृष्ण असंख्य लोगों तक पहुंचने वाले हैं, असंख्य लोगों की लाइफ बदलने वाली है, जीवन को दिशा मिलने वाली है। तो यहाँ वो जो हिस्ट्री लिखने का, हिस्ट्री बनने का की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत होती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं अपने भतीजे से, अरे इसने तो विवाह कर लिया। मास्टर चुपचाप बैठे हैं, उनको लग रहा है भाई ये कौन सी गलती हो गई, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि गलती है कहाँ, ऐसा तो सब करते हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हाँ लड़के बच्चे भी हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के बच्चे भी हो गए हैं इसके तो। दूसरा प्रहार, बॉक्स को तोड़ने के लिए। देखो थोड़ी देर पहले तो प्रताप के भाई के लिए कह रहे थे कि वो वापस जाए, अपनी घर गृहस्थी देखी, अपनी पत्नी को बच्चों को उसने भेज दिया है अपने ससुराल, पत्नी के मायके, कितना गलत किया है। बच्चों को देखना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी बहुत ज़रूरी हैं, भागना नहीं है। और मास्टर से उल्टी ही बात कह रहे हैं, अरे ओहो इसके तो बच्चे भी हो गए, इसकी तो शादी भी हो गई। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आँखें आदि देखकर जान लेता हूँ। अच्छा तुम्हारी स्त्री कैसी है, विद्याशक्ति है या अविद्याशक्ति? अगला प्रहार होने जा रहा है। मास्टर कहते हैं, जी अच्छी तो है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छा तो तुम ज्ञानी हो। मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा।
ज्ञान क्या है, हनुमान जी से पूछा जाता है नक्षत्रों के बारे में, कहते हैं भाई मुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो केवल राम 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 करना जानता हूँ, केवल उनकी सेवा करना जानता हूँ, मेरे मन में उनके अलावा कुछ और है ही नहीं। और हनुमान जी को क्या कहा जाता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों के अग्रज हैं, बड़े बड़े ज्ञानी उनके चरणों की धूल अपने सिर पे लगाते हैं। फिर वही इन द बॉक्स थिंकिंग को तोड़ा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज में चले जाना ये ज्ञान है और जो नहीं गया वो अज्ञान है। श्री रामकृष्ण कौन से स्कूल कॉलेज में गए थे, बचपन में ही शुरुआत में ही स्कूल भेजा गया, योग 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 तो पढ़ते रहे पर जब अयोग की बात आई, घटा करने की बात आई जमा की जगह, तो कह दिया ना ये नहीं पढ़ूंगा, मैं केवल योग ही पढ़ूंगा, छोड़ दी पढ़ाई। स्वामी विवेकानंद कितना पढ़ लिए थे, उद्धव जी कितना पढ़े होंगे और माँ राधा कितनी पढ़ी होंगी। आज के जमाने में ही देख लें, रमणा कितना पढ़े होंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए त्रिभुवनमलाई, और ऐसी शिद्दत, दिनों दिन दिनों दिन निकल जाते थे, न कुछ खाते थे न कुछ बोलते थे, हर समय परमात्मा के ध्यान में मस्त रहते थे। तो ज्ञान किसे कहेंगे भाई, सच्चा ज्ञान स्वरूप को जान लेना, परमात्मा की भक्ति, संसार की धारणाओं मान्यताओं से वैराग्य, मन में शांति प्रसन्नता, अकारण विनय, सबके लिए दया करुणा, किसी भी परिस्थिति में सम रहने की क्षमता, भयों का मन से अभाव, चिंताओं का अभाव, जो ज्ञान ये सब देता है वो ज्ञान है, और जो ज्ञान ये नहीं देता वो अज्ञान है। क्या फर्क पड़ता है भाई, बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ लें पर मन अशांत हो, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा हो, दुखी हो, उन पोथियों का क्या फायदा। कबीरदास जी कहेंगे ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, प्रेम आ गया तो समझ लो ज्ञानी हो गए, अनन्यता आ गई तो ज्ञानी हो गए। तो मास्टर का ये सोचना भी कि ज्ञान की ये परिभाषा है उसको भी तोड़ा जा रहा है। श्री रामकृष्ण आगे पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर। मास्टर मन ही मन सोचने लगे कि यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है।
ईश्वर निराकार हैं, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार हैं, ऐसा भी विश्वास हो सकता है कभी? ये तो दोनों विरोधी भाव हैं, ये दोनों एक साथ कैसे सत्य हो सकते हैं? सफ़ेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? ये सब बातें मास्टर के मन में चल रही हैं। वो कहते हैं श्री रामकृष्ण को, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो अच्छा है, पर यह न कहना कि वही सत्य है और बाकी सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य हैं, यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार पूर्णतया चूर्ण हुआ, पर अभी शायद थोड़ा कुछ रह गया हो, इसलिए वे फिर तर्क करने के लिए आगे बढ़े। कहते हैं, अच्छा वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति में तो वो हो नहीं सकते। श्री राम कृष्ण, मिट्टी की मूर्ति में वो क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी की नहीं, चिन्मय मूर्ति है ये, चिन्मय मूर्ति। यह बात मास्टर समझ न सके। उन्होंने कहा, अच्छा जो मिट्टी की मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि ये मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। श्री राम कृष्ण, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। अजी, समझाने वाले तुम कौन हो? जिनका संसार है वे समझाएंगे? जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए, माता पिता में स्नेह का संचार किया, वे समझाएंगे? इतने उपाय तो उन्होंने कर दिए, वो ये उपाय न करेंगे? अगर समझाने की ज़रूरत होगी तो वे खुद ही समझाएंगे, वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो वो क्या वे ये नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं, इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, तुम्हें भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया था। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है, मुझे दूसरों को समझाने की क्या ज़रूरत है? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है, या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने की जगह नहीं और लोगों को न्योता दे रहे हैं, स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दें? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत्।